हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम साइट पे देखेंगे कि हमें छत भराई से पहले किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से कवर ब्लॉक प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और समझें कि किस प्रकार से हमें कवर ब्लॉक प्रोवाइड करवाना चाहिए और हमें क्यों ज़रूरी है कवर ब्लॉक प्रोवाइड करवाना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारा कवर ब्लॉक है जो हमारा 25 mm और 20 mm का कवर ब्लॉक है। हमें 20 mm का साइज का कवर ब्लॉक स्लैब में प्रोवाइड करवाना चाहिए रेनफोर्समेंट के नीचे, जहाँ पे हमारा कंक्रीट का रेशो जा सके। और हमें प्रॉपर रेशो मेंटेन करने के लिए कंक्रीट में कवर ब्लॉक देने के लिए हमें स्लैब में कवर ब्लॉक देने के लिए यह कवर ब्लॉक हमें प्रोवाइड करवाना चाहिए। कवर ब्लॉक का साइज़ हमें 20 mm रखना चाहिए और इसकी स्पेसिंग 500 से 600 mm स्पेसिंग रखना चाहिए। कम से कम एक स्क्वायर मीटर में हमारे 4 कवर ब्लॉक होने चाहिए, जैसा कि यहाँ पर कवर ब्लॉक दिया हुआ है। रेनफोर्समेंट के नीचे यहाँ पर कवर ब्लॉक प्रोवाइड करा हुआ है। 20 mm का यह कवर ब्लॉक है जिसकी स्पेसिंग हमें ध्यान रखना चाहिए 500 से 600 mm की दूरी इसकी होनी चाहिए और कम से कम एक स्क्वायर मीटर में हमारे 4 से 5 कवर ब्लॉक होने चाहिए, ताकि हमारा कंक्रीट का प्रॉपर रेशो प्रोपोर्शन नीचे जा सके और कवर हमारा प्रॉपर प्रोवाइड हो सके। इसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, हाउस डिज़ाइन से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।